गुड मॉर्निंग एवरी वन सो दैट टुडेज टॉपिक इज इन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कमर्शियल बैंक दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन बाई कमर्शियल बैंक और यू कैन से दैट मनी क्रिएशन मनी क्रिएशन बाई सेंट्रल कमर्शियल बैंक सर मनी क्रिएशन मतलब कि लाइक कमर्शियल बैंक लोन कैसे प्रोवाइड करेगी टू द नीडी बोरोवर्स द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक ना कि पैसे वो एक्सेप्ट करती नीडी से सर कमर्शियल बैंक सबसे पहले क्या करती नीडी बोर से पैसे एक्सेप्ट करती है सर so जो पैसे आया करते हैं उन्हीं पैसों को कमर्शियल बैंक एज अ लोन निडी बोरोवर्स को ग्रांट कर देंगे ठीक है मतलब कि पैसे पहले एक्सेप्ट कर रही है और सेम पैसे बेटा नीडी बोर को लोन दे दे रही है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम सो देर इज टू स्टेप्स द स्टेप नंबर वन इज दैट द स्टेप नंबर वन इज दैट इज टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपोजिट और यू कैन से दैट प्राइमरी डिपोजिट प्राइमरी डिपॉजिट कि सर कमर्शियल बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट आएगा जो पर्सन कमर्शियल बैंक को पैसे जमा करेंगे कमर्शियल बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करेंगे एंड स्टेप नंबर टू इज एडवांसिंग ऑफ लोन सर उन्हीं पैसों को क्या कर दिया जाएगा एज अ लोन लोगों को पर्सन को नीडी बोरवर्स को एडवांस दे दिया जाएगा एज अ लोन सो फर्स्ट फंक्शन इज टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंडर फंक्शन इज एडवासिंग ऑफ लोन और आपने इसको प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में पढ़ा भी था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवासिंग ऑफ लोन फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल कि सर कमर्शियल बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट आ गया इज इक्वल टू वन लाख रुपीज द प्राइमरी डिपॉजिट फॉर कमर्शियल बैंक फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बरोडा ले लेते हैं हम लोग बैंक ऑफ बरोडा के पास वन लाख रुपीज प्राइमरी डिपोजिट आगे जमा करे होंगे कि किसी ने ट्वेंटी लोगों ने 30, इस तरह पैसे जमा करे होंगे तो कितना? कितना बेटा वन लाख रुपीज आ गया अब इस एक लाख को प्राइमरी डिपॉजिट को कमर्शियल बैंक कैसे लोन प्रोवाइड कर रही है उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है फर्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी डिपॉजिट एडवांसिंग ऑफ लोन या लोन ग्रांटेड लोन ग्रांटेड एंड इन बिटवीन अपॉइंट इज कॉल्ड सी आर आर अपल्ड सी आर आर बेटा प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक को एक लाख रुपए मिल गए एज अ प्राइमरी डिपोजिट और सर कमर्शियल बैंक पूरा एक लाख रुपीज नीडी बोर ओवर को लोन नहीं देगा सर कमर्शियल बैंक वन लाख रुपीज में से कुछ कैश रिजर्व रेशियो बचा के रखेगा कमर्शियल बैंक गिव्स लोन्स टू द नीडी टू द नीडी बोरोस बट आफ्टर डिडक्टिंग अ मार्जिनल डिडक्शन कुछ प्राइमरी डिपॉजिट में से सर मार्जिनल डिडक्शन करता है कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो सर लाइक कमर्शियल बैंक के पास एक लाख रुपया है कमर्शियल बैंक इन एक लाख रुपये को लोन नहीं देगा बेटा कमर्शियल बैंक इन एक लाख रुपए में से कुछ कैश रिजर्व रेशियो डिडक्ट करके रखेगा फॉर मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज अपनी फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को मीट आउट करने के लिए कमर्शियल बैंक कुछ ना कुछ पैसे डिडक्ट करके रखेगा बेटा तो लाइक मान लेते ट्वेंटी परसेंट मान लेते बेटा कितना परसेंट ट्वेंटी परसेंट मिनिमम बैंक को ट्वेंटी परसेंट सी तो बचा के रखना पड़ेगा मिनिमम बैंक को बेटा ट्वेंटी परसेंट सी पड़ेगा कैश रिजर्व रेशियो के रूप में कि वो अपनी फ्यूचर फ्यूचर की की को और प्रॉब्लम को मीट आउट कर सके सर वन लाख रुपीज का ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी थाउजेंट आ जाएगा और सर लोन ग्रंट कितना कर देगा लोन ग्रंट हो जाएगा कमर्शियल बैंक कर देगा एट्टी थाउजेंड रुपीज सर किसी पर्सन ने एक लाख रुपए जमा करे उसमें ट्वेंटी थाउजेंड बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो डिडक्ट करा टू मीट द फ्यूचर अनसर्टिनिटी ना और रेस्ट ऑफ द अमाउंट रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज एटी थाउजेंड सर रेस्ट ऑफ दी अमाउंट कमर्शियल बैंक ने नीडी बोरोवर्स को लोन दे दिया अब सर नेक्स्ट टाइम एट्टी थाउजेंड रुपीज कुछ आफ्टर फोर टू फाइव ईयर्स कमर्शियल बैंक को फिर मिल जाएंगे कमर्शियल बैंक को बेटा फोर टू फाइव ईयर्स एट्टी थाउजेंड ई फिर मिल जाएंगे अब जिसने पैसे जमा करे होंगे उसको तो पैसे कमर्शियल ने किस कहीं और से दे दिए होंगे किसी और पर्सन का जो पैसा मिला होगा समझना बेटा ये जो वन लाख रुपीज़ हैं अब प्राइमरी डिपॉजिट जिसने जमा करा बेटा उसने तो लाइक वन ईयर और टू ईयर के लिए जमा करे होंगे डिपोजिट करे होंगे लेकिन जो लोन ले रहा है बेटा वो पाँच साल छः साल के लोन ले रहा होगा सेम अमाउंट थोड़े ना वापस करेंगे उस पर्सन को सर ये एट्टी थाउजेंड मिल गए किसको बैंक को फिर से मिल गए एज अ प्राइमरी डिपॉजिट उसका अकाउंट तो क्लियर कर दिया होगा बैंक ने

ग्रांट द लोन टू द नीडी बोरोवर्स हम लोग लोन कैसे ग्रांट कर सकते हैं नीडी बोरवर्स को सो सर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है इसी में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट मल्टीप्लायर क्रेडिट मल्टीप्लायर दैट इज कॉल्ड सीएम कि सर इस पैसे को कितनी बार हम लोग लोन ग्रांट कर सकते हैं इसका फॉर्मुला बेटा क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट अपॉन कैश रिजर्व रेशियो का अमाउंट दोनों के अमाउंट को लेंगे सर प्राइमरी डिपॉजिट था आपका वन लाख रुपीज़ सी आर आर था ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ तो क्रेडिट मल्टीप्लाई इस बार कितना है इस आया बेटा इस बार क्रेडिट मल्टीप्लायर आया फाइव टाइम्स सर देखिए प्राइमरी डिपॉजिट वन लाख था और सी आर आर सर ट्वेंटी थाउजेंड आपने डिडक्ट करा था दैट इज कितना आया बेटा ये आया आपका फाइव टाइम्स आया कितना आया बेटा फाइव टाइम्स आ गया ठीक है लाइक like इसको लेते हो आप एट्टी थाउजेंड अपऑन सिक्सटीन थाउजेंड करते सर तब भी फाइव टाइम आता हर बार कितना आएगा बेटा फाइव टाइम मतलब कि सर इस सिक्सटी वन लाख को आपने लोन ग्रांट करा एट्टी थाउजेंड फिर सिक्सटी फोर इस तरह कितनी बार लोन ग्रांट होगा ऐसे तो बेटा जब तक जीरो नहीं जाए तब तक लोन ग्रांट करते रहेंगे ना नहीं हम लोग सिर्फ फाइव टाइम्स तक लोन ग्रांट करेंगे इन पैसों का और जो लास्ट में पैसे होंगे उसको बैंक एज अपने पास रिजर्व रख लेगा या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकता है या बेटा हम लोग इसको एक और तरीके से शो कर सकते हैं सर क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू वन अपॉन सी का जो रेट था यहाँ पे हमने अमाउंट लिया सी का यहाँ पे जो सी का रेट होगा सर वन अपॉन ट्वेंटी परसेंट होता है सर अगर मैं ट्वेंटी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो यह अगर ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड इज इट क्लियर और नॉट सर मैं वन अपॉन सी को अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ इट मीन्स वन अपॉन ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड हो जाएगा एंड जब ये शिफ्टअप होगा अगे इट मीन्स वन इन टू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी क्योंकि डिवाइड है जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो सर रेसिप्रोकल होगा फिर देखो कितना आ रहा बेटा अगेन इट इज फाइव टाइम्स कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके इसको लेकिन आपको एक क्वेश्चन आएगा विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको बेटा एक क्वेश्चन आएगा विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन ये आ सकता है एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल सर आएगा एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन विद हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा ठीक है तो आप इस तरह क्या करोगे इस तरह पूरा ये जो पेज आप देख रहे हो ये पूरा पेज देख रहे हो बेटा ये आप सेम इस तरह एक्सप्लेन करने वाले हो सेम इस तरह एक्सप्लेन करना मैं आपको भेज दूंगा नोट्स में लेकिन इसी को एक्सप्लेन करना इस तरह लिखेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन की हाउ कमर्शियल बैंक ग्रांडर लोन टू द नीडी बोर

नेशनल इनकम मनी इन बैंकिंग एंड इन एंड इकनॉमी इट इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू एट चैप्टर फर्स्ट ट्वेटर इंधर्स ये आपका ये चैप्टर आएंगे ठीक है नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अलॉन्ग विथ सेंट्रल बैंक